राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और अनशन के माध्यम से अपनी बात मनवाने के सिद्धांतों को पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई अनशन किए और अंग्रेजों से लेकर आजाद भारत की राजनीतिक सत्ता तक को इस अहिंसात्मक हथियार के जरिए झुकाते रहे। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 71वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1948 में नाथूराम गोडसे ने बापू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शाम के वक्त जब बापू बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा से उठकर जा रहे थे, उस वक्त ही गोडसे ने अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से एक के बाद एक तीन गोलियां दागकर उनका सीना छलनी कर दिया। गोडसे को गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पूरा केस शिमला की अदालत में चला गया। करीब डेढ़ साल बाद 15 नवंबर 1949 को गोडसे को बापू की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि हत्या के बाद एक ऐसा भी समय था जब बापू के बेटे देवदास गांधी गोडसे से मिलने भी गए थे। तब गोडसे ने उन्हें कुछ बातें बताई थी। इस दौरान नाथूराम गोडसे ने उन्हें बताया था कि उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा। असल में गोडसे महात्मा गांधी के उस फैसले के खिलाफ था जिसमें वह चाहते थे कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए। इसके लिए बापू ने उपवास भी रखा था। उसे ये भी लगता था कि सरकार की मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की नीति गांधी जी के कारण है। नाथूराम गोडसे का मानना था कि भारत के विभाजन और उस समय हुई सांप्रदायिक हिंसा में लाखों हिंदुओं की हत्या के लिए महात्मा गांधी ही जिम्मेदार थे। भोपाल से EMS TV के लिए आकाश सोनी की रिपोर्ट।